एफ़ और एफ़ की जोड़ी कैसी रहेगी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन अफ़राद का नाम एफ़ और एफ़ से शुरू होता है वो कैसी अदाद के मालिक होते हैं उनकी शख्सियत और मिजाज कैसा होता है इस जोड़ी को अपने आपस के तलक़ा बेहतर बनाने के लिए और अपनी ज़िंदगी में आसानी के लिए अल्लाह पाक का कौन सा इसमें मुबारक पढ़ना चाहिए ये सब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद दिलचस्प होगी मगर इससे पहले हम आपको बताते चलें कि अगर आप कहीं भी रिश्ता करने से पहले इस्तकारा करवाना चाहते हैं कि लड़की और लड़के का आपस में मिजाज सितारे शख्सियत और अदात मैच करती हैं या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर रबता कायम करें इसके अलावा इस चैनल पर हम वज़ायफ़ दुआ और तावीज़ात के वीडियोज़ भी अपलोड करते रहते हैं अगर आपका कोई भी रूहानी मसला हो जिसका आपको हल ना मिलता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रता करें अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ नाजरीन ऐसे लोग जिनका नाम हर्फ एफ से शुरू होता है वो शख्सियत के अतबार से कम नहीं होते ये काफ़ी चार्मिंग और गुड लुकिंग होते हैं एफ़ नाम के ज़्यादातर मर्द कभी कभार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और ये चीज़ इनकी शख्सियत पर भी नज़र आ जाती है नेचर के अतबार से एफ़ नाम के ज़्यादातर मर्द साफ दिल के होते हैं दूसरों के साथ इनका रवैया बहुत अच्छा होता है इसमें से ज़्यादातर मर्द क्रिएटिव माइंड के होते हैं और कुछ ना कुछ मुनफरद करने का जज्बा रखते हैं एफ नाम के ज़्यादातर लोगों को फाइनेंशियली लिहाज से थोड़े बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है इसलिए बाजों का तंग दस्ती का शिकार हो जाते हैं लेकिन चूँकि ये क्रिएटिव होते हैं इसलिए मुश्किल हालात से निकलने का हुनर भी अच्छे से जानते हैं अगर इनकी शख्सियत के मनफी पहलू की बात की जाए तो एफ़ नाम के ज़्यादातर मर्द कभी कभार इतने ज़्यादा खामोश हो जाते हैं कि कोई भी इनका फ़ायदा उठा सकता है जबकि कभी कभार ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं जबकि ऐसी खुवात जिनका नाम एफ़ से शुरू होता है वो दिखने में काफ़ी चंचल और क्यूट होती हैं नेचर के अतबार से एफ़ नाम की ज़्यादातर खुवात दूसरों के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती हैं ये कभी कभार बहुत पुरसकून तो कभी कभार थोड़ी गुस्से में भी आ जाती हैं एफ नाम की बास खी कारोबारी फील्ड में काफ़ी तरक्की करती हैं ये तेज़ दिमाग की होती हैं और अपनी ईमानदारी और मेहनत के बलबूते पर बहुत आगे तक जाती हैं अगर इनकी शख्सियत के मनफी पहलू की बात की जाए तो इनमें से बास ख़वात ऐसी भी होती हैं जो अपनी ईगो की वजह से का झगड़ा भी मोल ले, ले लेती हैं कभी कभार ये शक मिजाज हो जाती हैं और जब कभी अपना आपा खो बैठें तो फिर किसी की भी नहीं सुनती अगर हम बात करें एफ नाम के मर्द ख़वात की जोड़ी की तो ये एक परफेक्ट और शानदार जोड़ी साबित हो सकती है क्योंकि इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है जो कि इस रिश्ते की बुनियाद होती है लेकिन बाज एफ नाम की खातन ऐसी भी होती हैं जो कि अपनी शादीशुदा जिंदगी के बाद मामलों में अपने ईगो को दरमियान में ले आती हैं जिसकी वजह से इनके रिश्ते में काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं जबकि बाज एफ नाम के मर्द भी ऐसे होते हैं जो कि बाज़ मामला में अपनी बीवी को समझने के बजाय अपने फैसले मुसलत करने के कायल होते हैं तो ये अगर इन छोटी छोटी बातों पर काबू पा लें तो ये एक बेमिसाल जोड़ी साबित हो सकती है लिहाजा अगर एफ़ और एफ दोनों मिया बीवी अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं और एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं या दोनों में से कोई एक अपने जीवन साथी के दिल में अपनी मोहब्बत और इज्जत पैदा करना चाहता है तो रोज़ाना ये इसमें आजम या फताहू फ़ोर एटी नाइन मरतबा पढ़े अगर दोनों इस इसम आज़म को बताई गई तादाद के मुताबिक पढ़ेंगे तो इन श्ला दोनों में जल्द इज्जत और मोहब्बत परवान चढ़ेगी नाजरीन ये था एफ़ और एफ नाम की जोड़े की शख्सियत के बारे में मुख्तर अंदाज़ा जो ज़रूरी नहीं कि सौ फीसद ठीक हो गलत भी हो सकता है आपके ख्याल में हमारा ये अंदाज़ा कितने फ़ीसद दुरुस्त है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसके अलावा अगर आप मज़ीद किसी भी जोड़ी के आपस में मिजाज के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी चैनल के होम पेज पर लगे सर्च आइकन पर क्लिक करके मतलूबा जोड़ी के नाम के पहले हरूफ लिख कर एंटर करें तो आपकी मतलूबा वीडियो सामने आ जाएगी शुक्रिया अल्लाह हाफिज़